अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा यार, ये जोजे सिंगल रेल मशीन है, इसको रीसेट कैसे करते हैं? एक तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने पी का बटन प्रेस करके रखना है, प्रोग्राम में चली जाएगी ये मशीन। ये P1 आ गया, अभी हम इसको लेके जाएँ 79 पे। ठीक हो गया, ये 79 आ गया। एस का बटन दबाएँगे दोबारा हम। ठीक है, अभी इसको हम करेंगे 5। ठीक हो गया जनाब, 5 पे लेके जाएंगे इसे। ये जनाब 5 हो गया। एस को हमने प्रेस किया, नो लिखा हुआ आ जाएगा। फिर हम इसको प्लस के साथ यस करेंगे, फिर एस दबाएंगे। यही प्रोसीजर हम दोबारा दोहराएंगे। पहले हमने 5 पे किया है, अभी हम दोबारा ये 79 पे फिर आए। पहले हमने 5 करके दोहराया था, अभी हम इसका 8 करके दोहराएंगे। एस दबाया हमने, ये दोबारा इसको हम 8 पे लेके जाएंगे। फिर एस दबाएंगे, नो लिखा आएगा। ये एस दबाया जनाब, ये नो लिखा हुआ आ गया। फिर दोबारा हमने एस दबाना है, नो को यस किया और एस दबा दिया। अब मशीन हमारी रीसेट हो गई। अब हमने इसको ऑफ करके ऑन करना है। ठीक हो गया, ये मेरी मशीन अब रीसेट हो गई है। आपने ऑफ करके से ऑन करना है, लेकिन मैं भी आपको एक और पैरामीटर बताने लगा हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। 28, ये 28 पे ये इसके हेड स्विच का होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो एरर है 501 आता है, ये देख लें। इसको हम 1 करेंगे तो ये साथ ही एरर 501 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब, इसके हेड स्विच का है। अगर आपके पास इस तरह का कोई मसला आता है तो आप उसको बआसानी हल कर सकते हैं। ये मकसद था आपको उसका आपके साथ शेयर करने का। ठीक हो गया, वापस फिर हम इसको 0 कर देंगे। एस, ये 0 किया। एस के साथ फिर इंटर करेंगे इसे, 0 करके एस दबा दें जनाब। ले, ये अभी एरर रिमूव हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि जनाब ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त।